और इसी क्रम में बता दें आपको अगली खबर, जहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के भिंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शहर के एमजीएस ग्राउंड में भिंड दतिया लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित वरिष्ठ कांग्रेसी भी सभा में शामिल होंगे। 17वीं बटालियन में हेलीपैड बनाया गया है। वहीं कांग्रेस के कार्यक्रम को देखते हुए शहर का ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार की दोपहर 12:20 पर हेलीपैड पहुंचेंगे और इसके बाद वे कार से दोपहर 12:30 पर शहर के एमजेएस ग्राउंड में बनाए गए सभा स्थल पर पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम करीब 1 घंटे का रहेगा। इसके बाद दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम स्थल से ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे राहुल गांधी। अभी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और सभा के बाद भिंड में, जहां पर आज राहुल गांधी जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज राहुल गांधी की सभा में मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, राहुल गांधी लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। भिंड से हमारे संवाददाता अक्षय जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। अक्षय, जिस तरह से राहुल गांधी का जो भिंड का दौरा है आज, कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? और जो प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, उनके लिए चुनावी सभा कर रहे हैं और वैसे भी इस बार कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता जो है छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी भिंड में सभा करने पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरफ इस बार जनता का रुख नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस ये राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस में एक बूम होगा, बूम पैदा हो जाएगा और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे राहुल गांधी। जैसे कि कांग्रेस में अभी इंदौर में प्रत्याशी ने टिकट नाम वापसी ले ली, उससे भी काफी नाराजगी देखी जा रही थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, हतोत्साह दिख रहे थे। अब राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और फूल सिंह बरैया के समर्थन में सभा करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। आपने जो बात करी, जिक्र किया, पार्टी के लिए, और ऐसे में अगर राहुल गांधी आते हैं और सभा करते हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल तो ऊंचा होगा ही, और जो हतोत्साहित हो गए हैं उनके लिए भी एक बड़ा मतलब एक सपोर्टिव सिस्टम के रूप में काम करेंगे राहुल गांधी। क्या लग रहा है, अगर हम भिंड की बात करें तो भिंड वैसे भी बड़ा सेंसिटिव एरिया है और वहां के जो फूल सिंह बरैया है, कितना प्रभाव छोड़ रहे हैं उतनी अपनी सीट पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लंबे समय से भिंड लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार कांग्रेस पूरा पूरा जोर लगाएगी कि इस बार वो इस सीट को अपने पाले में ले। निश्चित रूप से, और जोर लगाने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के दिग्गज आ रहे हैं और चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है और ऐसे में अगर बीजेपी को टक्कर देने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस के आलाकमाना जो है आने के लिए तैयार हुए हैं और अब जाके सभाएं हो रही हैं। राहुल गांधी की भिंड की जो आज की जो यात्रा है, जिस तरह का जो उनका कार्यक्रम है, कि जितना कितनी बजे पहुंचेंगे और कितना बड़ा जनसमूह आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, 11:30 17 बटालियन SF ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो पहुंचेंगे। वहां से कार के द्वारा एमजीएस के ग्राउंड पर सभा स्थल पहुंचेंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और 1 घंटा के लगभग ये कार्यक्रम चलने वाला है।
और भीड़ की अगर बात की जाए तो 5 से 10 हजार के समथिंग भीड़ हो सकती है। और जिस तरह से अगर हम ट्रैफिक डाइवर्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है तो जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदिरा गांधी चौराहे से एमजे और लाहौर चुंगी तक ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है पूर्ण रूप से, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भिंड में राहुल गांधी आज चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा आज भिंड में देखने को मिलेगा। बता दें आपको, राहुल गांधी भिंड में अपने प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। 1 घंटे तक सभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके दौरे को लेकर भिंड के जिला प्रशासन ने ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है।